हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स रिलेटेड रहेगी। 2022-23 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला ना मैथ्स का, क्लास 6 से लेकर 8th के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो लेवल 2 के हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनका पेपर का डिज़ाइन कैसे, मतलब कौन से क्वेश्चन कितने कितने आएंगे। तो 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 60 मार्क्स का आपका रहेगा। देखिए, मैंने और भी सब्जेक्ट की वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना सबके, ठीक है। तो देखिए, आपका जो पार्ट ए सेक्शन होगा, जब आप पेपर खोलोगे तो पार्ट ए में जो MCQ होंगे ना, MCQ, उसमें आपके जो है ना क्वेश्चन नंबर एक में ही ना 8 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन नंबर एक के अंदर 8 क्वेश्चन और होंगे। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा और MCQ है, तो 4 में से 1 ठीक होगा, ठीक है। सोल्व करके आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा ठीक है। और पार्ट ए में ही आपका एक केस बेस्ड आएगा, मतलब पैसेज आएगी, उसके आंसर आपको देने होंगे। उसके अंदर 4 पार्ट होंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। और ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 16 नंबर आपको मिलेंगे, तो टोटल 24 हो जाएंगे पार्ट ए अगर आप अच्छे से कर लेते हैं। तो पार्ट ए में MCQ और केस बेस्ड होंगे, ठीक है, और ऑप्शन दिए होंगे आपको, उसमें से बताना होगा कौन सा ठीक है। अब आ जाओ पार्ट बी। पार्ट बी में खालिस्तान देंगे, जो आपका एक क्वेश्चन होगा उसमें 4 उसके अंदर पार्ट होंगे, तो एक एक नंबर का होगा। और ये होगा VSA, वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, ये 4 होंगे और एक एक नंबर का एक होगा। और फिर मैचिंग वाला इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा जो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपका ये टोटल मिला के पार्ट बी 12 नंबर का है, पार्ट ए आपका 24 नंबर का है। और डी एस, फिर पार्ट सी आएगा आपका। पार्ट सी में आपका जो शॉर्ट आंसर फर्स्ट, शॉर्ट आंसर सेकंड और लॉन्ग आंसर वाले हैं, इसमें 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक है, इसमें 2 क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का एक है। तो इसमें टोटल जो है वो 18 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स का है आपका, इस तरीके से पूरा पेपर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो MCQ हैं, जो केस बेस्ड है ना, वो आपकी पुरानी क्लास से रिलेटेड होंगे, जो DOE के सिलेबस में बोला गया है। जैसे आप सर्टी किया तो 5वीं का 4वीं का जो आपके सिलेबस में लिखा है ना, वाली वर्कशीट सारी कर लेना, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी आपके चैप्टर्स तो बहुत कम आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर लो। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिस्पॉन्स करने की या वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन देने की। सिलेबस की वीडियो और भी बहुत सारी जो वीडियो है वो आप डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ चेक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। डियर स्टूडेंट्स, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप और जो है सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।